أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Students, how are you all? Okay, prep class. आज हम कुरान बुक 1 पेज नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हमने कल के सबक में ज़ाद, कैफ, कौफ ये तीन लफ्ज़ पढ़े थे. ज़ाद की साउंड है ज़ा, कैफ की साउंड है कै, कौफ की साउंड है कौ. आज हम इन तीनों हरूफ की अदायगी के साथ साथ इन हरूफ की शुरू की शक्ल, दरमियान की शक्ल और आखिर की शक्ल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ज़ाद, 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 ये ज़ाद की वो शक्ल है जो हरूफ के शुरू में आती है, यानी कि आदि इश्काल में से जो शुरू की इश्काल होती हैं वो आदि शक्ल होती है. किसी भी आप लफ्ज़ का चेहरा देख लें तो आपको उस हर्फ की पहचान हो जाती है. तो ज़ाद शुरू की शक्ल ज़ाद, दरमियान की शक्ल ज़ा, जो दरमियान की शक्ल होती है उसके दो सिरे होते हैं. एक सिरा वो जिससे पहला लफ्ज़ जुड़ता है, एक सिरा वो जिसके बाद दूसरा लफ्ज़ जुड़ता है. ज़ाद ज़ा दरमियान की शक्ल, ज़ाद ज़ा आखिर की शक्ल. आखिरी शक्ल अमूमन हमारी पूरी शक्ल होती है. कैफ कै पूरी शक्ल, कैफ का शुरू की शक्ल जो कि आदि शक्ल है, कैफ का दरमियान की शक्ल जिसके दो सिरे हैं, कैफ का आखिर की शक्ल जो कि मुकम्मल शक्ल है, कौफ का पूरी शक्ल, कौफ का शुरू की शक्ल, कौफ का दरमियान की शक्ल, कौफ का आखिर की शक्ल पूरी इश्काल, शुरू की इश्काल जो कि आदि इश्काल है, दरमियान की इश्काल जिनके दो सिरे हैं दोनों तरफ से लफ्ज़ जुड़ता है, और आखिर की इश्काल जो कि मुकम्मल इश्काल है. ओके, अब हमने जो तीन लफ्ज़ पढ़े हैं ज़ाद, कैफ, कौफ, इन तीनों हरूफ को हमने ढूंढना है इस सरगर्मी के अंदर. हम देखेंगे कि इसमें इन तीनों में से किसकी साउंड हर लफ्ज़ में आ रही है और हमने उसको सर्कल करना है. मैं लफ्ज़ पढ़ना शुरू करूँगी, आपने हरूफ को पहचाननी है. किसी भी लफ्ज़ के अंदर ज़ाद, कैफ, कौफ की ओके, मैं लफ्ज़ पढ़ने लगी हूँ. ज़ोरबा, ज़ाद हमारे पास लफ्ज़ है, ज़ाद को इन्होंने सर्कल किया हुआ है. अब अगले लफ्ज़ का आपने खुद सर्कल करना है. कैबुरा, इस काफ की साउंड आ रही है कहीं पे? कैबुरा, जी हाँ, शुरू में आ रही है तो हमने इसको सर्कल करना है.
साउंड आ रही है ज़ा, सर्कल कर देंगे। यदक काफ की साउंड इधर आ रही है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। जो लफ्ज़ हमने पढ़ा होगा उसमें से उन्हीं को हमने इन अल्फाज के अंदर ढूंढना है, ठीक है। उन्हीं की साउंड कहाँ पे आ रही है, शुरू में, शुरू की शक्ल की सूरत में आ रही है, दरमियान की शक्ल में, या आखिर की शक्ल में, वो हमने यहाँ पे सर्कल करनी है। कसुरो कैफ की शक्ल, फ़रग़ा ज़ाद की शक्ल, कतबा काफ की शक्ल, वसाक़ क़ाफ की शक्ल, फ़मकसा काफ की शक्ल, वज़करा काफ की शक्ल। जी हाँ, इस तरह हमारा पेज नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। आपने इस पेज में शुरू की इश्काल, दरमियान की इश्काल और आखिर की इश्काल देख ली है, और आपने अल्फाज ढूंढ के इसके अंदर सर्कल भी कर ली हैं। कल हम इंशाल्लाह पेज नंबर 23 करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।